www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. محترم عزیز و دوستو, اللہ تعالی شانہ کا बहुत ही बड़ा करम एहसान, उसका फजल कि अल्लाह ने अपने फजल से हमें जमा फरमाया. ये अल्लाह ही की तौफीक से हम जमा हुए हैं. अल्लाह जिसे भलाई चाहता है, जिसके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा कर लिया, अल्लाह उसको दीन की समझ दे देता है. ये दलील है, अलामत है कि अल्लाह मुझसे भलाई चाहता है, अल्लाह मुझसे प्यार करता है, अल्लाह ने मुझे चाह लिया है, अल्लाह ने मुझे पसंद कर लिया है. आप सब जो जमा हुए हैं अल्लाह की पसंदगी की हुए हैं. आप लोगों अल्लाह ने चॉइस किया है, जैसे चॉइस करते हैं ना, किसी गेम खेलने वालों को, खिलाड़ियों को चॉइस किया जाता है ना, स्कूल में स्टूडेंट को चॉइस किया जाता है, ऐसे ही अल्लाह ने अपने दीन के लिए आपको चॉइस कर लिया कि मेरे हैं. जैसे कोई एक टीम वाला अपना टीम लेकर चलता है ना, जैसे हम एक अल्लाह के नबी की टीम है, जिसको कुरान पाक में मैंने आयत पढ़ी ना अभी, कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह, कि नबी जी आप कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है. कुल हादिही सबीली, ये मेरा रास्ता है. कौन सा रास्ता है वो हुजूर वाला? कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं. क्या फरमाया, किसकी तरफ बुलाते हैं? अल्लाह की तरफ बुलाते हैं. और हुजूर को अल्लाह फरमा रहे हैं कि नबी जी आप उनको ये कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है. कौन सा रास्ता है जिसको अल्लाह की तरफ हुजूर बुलाते हैं? अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन, और बहुत सोच समझ कर और समझ बूझ के साथ. ऐसे नहीं कि चलो ये रिवाजी कोई अमल है उसको कर लिया, नहीं, बहुत बड़े काम है, इसलिए बहुत समझ कर करते हैं. तो इसलिए फरमाया कि बहुत समझ कर, बसीरत, पूरी बसीरत के साथ, कि ये हुजूर वाला रास्ता है. अना वमनी तबानी, फिर बाद में एक बात और फरमाई, मेरा भी यही रास्ता है और मेरे इत्तेबा करने वालों का रास्ता भी यही है. तो हम सब नबी अलैहिस्सलाम की इत्तेबा करने वाले हैं. हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जिसका हमने कलमा पढ़ा, तो हम हुजूर के इत्तेबा वाले हो गए.
तो हुजूर के इत्तिबा वालों का भी यही रास्ता है। कौन सा? कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, ये अल्लाह की तरफ बुलाना, ये हमारा रास्ता है, ये हमारा काम है। किसका? हमारा काम कौन सा है? जो काम नबी वाला काम था, ये काम मेरा काम है। हमने इसलिए फरमाते हैं कि हमने कभी बाज वर्तबा ये चूंकि माहौल ऐसा है तो हम ये समझते हैं कि ये कोई दावत वाला ग्रुप है, कोई एक तबलीग वाले लोग हैं। नहीं भाइयों, अजीजों, दोस्तों, ये शैतान का बहुत बड़ा हम पर हमला है। हमको इसने ये समझाया कि ये तबलीग वाले कोई और लोग हैं, ये दावत के कोई ग्रुप हैं, ये कोई एक जमात है जो एक सा काम कर रही है। ये बहुत बड़ा शैतानी हम पर एक चाल चली है। बल्कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ, अभी उसने आंख खोली है, होश नहीं संभाला, अभी सिर्फ आंख खोली है, उसी वक्त से ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में आ गया और अब इसकी जिम्मेदारी, उसकी हालत बदलने लगी। इसलिए आते हैं भाई अजीजो दोस्तों, चूंकि ये जो जिंदगी जो है ना, ये आदमी होश के बाद संभलता है, लेकिन ये जो हम जो ईमान वाले हैं ना, ये हमें अभी हमारे होश नहीं आया, हम पर कोई शऊर हमें पैदा अभी तक नहीं हुआ और हमारे अंदर में ये बात डाली गई कि तुम कौन हो। इसलिए आता है, अभी एक हमारे पास एक चंद 15-20 जवान आए थे। मैंने कहा आपको मालूम है कि आपकी तरबियत कब से शुरू करनी चाहिए? हम तो कहते हैं भाई ये जब बच्चे बड़े हो जाएं फिर उसकी तरबियत की फिक्र करो, कहते हैं कि उसकी तरबियत की फिक्र करो, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि हमें फिक्र करनी है कब से, जबकि माँ बाप ने अभी मुलाकात नहीं की। शादी हुई, शादी हो गई और अभी मुलाकात नहीं की, तैयारी है मुलाकात की, उस वक्त हमें एक दुआ बताई गई कि ये दुआ पढ़े माँ बाप ताकि उस बच्चे की तरबियत सही हो जाए। ये अभी तो आपका वजूद नहीं है, पता नहीं है कब वजूद मिलेगा, लेकिन हुक्म ये मिला कि इस वक्त से हमें अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र करनी चाहिए। हाँ, अल्लाहुम्मा, ये दुआ है ना, जन्निबी शैतान व जन्निबन शयातीन, ये दुआ पढ़ो कि शैतान का असर इस पर ना आ जाए। कब से कहा? अभी कहा, मुलाकात होने से पहले ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया गया ताकि हम लोग सही है, लेकिन चूंकि हमने अभी इसकी फिक्र नहीं की। फिर आदमी दो बातें और बताई, अब जब नुतफा ठहर गया माँ के रहम में तो अब आगे एक चीज आपकी वजूद पड़ गई, तो फरमाया कि अब दो चीजें आप पर और हम पर असर कर दिए, उस बच्ची पर असर कर दिए, दो चीजें बहुत बड़ा अहतमाम किया गया। अभी कहते हैं ना, हम सारे जमा हुए हैं, ये तो कोई कुछ नहीं है, मैं अभी जमा हुए तो 25-30-40 साथी जब जमा हुए थे, मैंने कहा कि आपके तरह अब तो 40 है, 400 बच्चे यहाँ होंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने या उनके बड़ों ने उनकी कोई फिक्र नहीं की कि इनको भी हमें जमा करना चाहिए। खैर, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमा लें। तो दो बातें और बनाई कि दो बातें इस पर और करो, माँ बाप को हुक्म दिया। एक तो उसको गिजा का असर करता है बच्चे पर, एक गिजा असर करेगी खुराक, और एक माँ के अखलाक असर करेंगे, माँ के अखलाक उस बच्चे पर असर करते हैं। इसलिए आता है कि गिजा में दो चीजें बताई, एक तो गिजा मुखवी हो, ताकत वाली गिजा हो ताकि बच्चे में कुव्वत पैदा हो, एक तो ये बताया, और दूसरी बात ये बताई कि उस वो गिजा जो खाई जाए वो हलाल हो। बहुत सारी माएं ऐसी है कि उन्होंने जब से अपने बच्चे को अंदर में उतारा, यानी नुतफा करार पाया है, उस वक्त ऐसे उस अपने शोहर से कहने लगी कि अब एक अमानत हमारे पास आ चुकी है,
कहीं इस अमानत के अंदर कोई खयानत ना हो जाए। एक बहुत बड़ी अमानत है, इसलिए कहा कि हलाल रोजी खाई जाए, हमें तय किया जाए कि हम कोई भी मुश्तबा ऐसा माल ना खाए ताकि इस बच्चे पर कहीं असर बुरा ना पड़ जाए। बताओ कैसी फिक्र के साथ। तो एक तो ग़िज़ा और दूसरी माँ के अखलाक। माँ जैसे अखलाक के साथ जिंदगी गुजारती है वही अखलाक बच्चों पर आ जाते हैं। तो अल्लाह करें, अल्लाह ताला शानो हमें और आपको ये चीजें नसीब फरमाए कि चूंकि हम तो आ गए हैं लेकिन हमें भी वही रास्तों से गुजरना है। हमें भी आज हम जवान हैं, कल हम भी उसी तरफ जाएंगे, हमारी भी औलाद होगी है? तो अगर हमने इस बात को समझा होगा कि मेरी और तरबियत का जो निजाम है वो अल्लाह ने पहले से शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे जब बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चे का पैदा होते ही आप उसका अच्छा नाम रखें, नहीं पहले ही उसके कान में अजान पढ़ें और एक कान में इकामत कमाएं। अब ये बच्चा अभी शऊर में नहीं है, अभी इनको कोई शऊर नहीं है, कोई चीज जानता नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं, यखलुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। जब तुम मां के पेट से पैदा किए गए तो उस वक्त तो तुम कुछ नहीं जानते थे, तुम्हें किसी चीज का कोई शऊर नहीं था। ये कुरान में आता है। तो लेकिन हुक्म क्या हुआ कि उसके एक कान में क्या करो, उसके एक कान में अजान पढ़ो और दूसरे कान में इकामत कहो। अब ये पता नहीं चला कि इसमें शऊर नहीं है और उसको ये हुक्म मिला कि इस अमल को करने का। तो हमारे हजरत मौलाना इब्राहिम साहब दामर बरकात हम, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हजरत ने एक अजीब बात फरमाई। हकीम है वो, बहुत बड़ी हिकमत की बातें करते हैं। तो हजरत ने फरमाया कि ये जो हुक्म मिला है हमें शरीयत का, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें हुक्म मिला कि इसके एक कान में अजान पढ़ी जाए और उसके दूसरे कान में इकामत की जाए और उसमें शऊर नहीं है। तो उसके एक मिसाल दी हजरत ने कि जब कोई कौमे में चला जाता है, कौमा में चले जाते हैं, आदमी बेहोशी में चला जाता है, अब बेहोशी में गया तो अब उस पर दवाएं चलाते हैं इंजेक्शन के जरिए से, रगों के जरिए से बात पहुंचाई जाती है, अंदर दवाएं पहुंचाई जाती है और उसको कोई शऊर नहीं है, लेकिन इन दवाओं का असर उसकी जिस्म और तबीयत पर पड़ता है और वो फिर कौमे में से बेदारी में आ जाता है। तो फरमाया बस ऐसे ही जब हमने अल्लाह की किब्रियाई और आजमत को इसके कान में डाला गया, अभी से उसके दिल में, उसकी जिस्म पर अल्लाह की किब्रियाई और उसकी आजमत दिल में असर करेगी। ये है, हमें शऊर नहीं है कि इस पर असर होगा लेकिन होगा। इसलिए आपको हमेशा जोड़ने का एहतमाम करते हैं कि ये चंद चंद घंटे हम जमा हो गए, ये चंद घंटे नहीं है, ये चंद घंटे नहीं है, ये चंद वक्त में हमारी जिंदगी के तब्दील होने का एक सबब अल्लाह ने हमारे लिए मुहैया कर दिया है कि हमारी जिंदगी तब्दील हो जाती है, जिंदगी तब्दील हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक अमल है जिसके लिए हम और आप जमा हुए हैं। ऐसे नहीं कि भाई चलो हम लोग सुबह से शाम तक जमा हुए और फिर शाम को वापस आ गए, नहीं। इसलिए जब भी हम जमा हो जाए तो कोई फिक्र हमारे सामने हो, कुछ नीयतें हो, कोई अजाइम हो, कोई इरादे हो कि मैं क्यों यहाँ बुलाया गया, मुझे क्यों यहाँ लाया गया, मेरे यहाँ लाने की क्या मकसद है। तो भाइयों, अजीजों, दोस्तों, हम एक बात समझानी है कि हम कौन हैं। सबसे पहले हमने अभी नहीं समझा कि मैं कौन हूँ। कोई ये समझ रहा है मैं खेती वाला हूँ, मैं कारोबार वाला हूँ, मैं ताजिर हूँ, कोई कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ। ये सब हमने अपने आप को समझ रखा है लेकिन हमें किसी ने नहीं समझाया कि तू जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी है, कि तू हुजूर का उम्मती है। हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा किया है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। पहले नबियों ने इस उम्मत में आने की अल्लाह से दरखास्त की थी
कि अल्लाह हमें इस उम्मत का नबी बना ले, फिर दूसरे अल्लाह ने कहा कि इसके नबी तो तय हो चुके हैं, फिर दूसरी दुआएं उस नबियों ने मांगी है कि अल्लाह चाहे हम उस उम्मत के नबी ना बनाए जाएं, लेकिन अल्लाह हमें उसकी उम्मत में तो दाखिल कर ले। अब वो जानते थे हजरत मूसा अलैहि सलातो सलाम पर जब ये उम्मत की फजीलत बयान की गई तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से ये उम्मत मांगी तो फरमाया कि अल्लाह ताला शानहु ने कि ये मूसा ये तो उम्मत के नबी तय हो चुके हैं, ये जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। तो फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्लाह मुझे चाहे इस उम्मत का नबी न बनाया जाए लेकिन मुझे इस उम्मत के उम्मती बनकर मैं आ जाऊं। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये बात आप तक नहीं हो सकती। अब अंदाज लगाओ जिसकी तमन्ना नबी और बहुत बड़े नबी और जलीलुल कद्र नबी, उलुल अज़्म नबियों में से मूसा अलैहि सलाम, कलीमुल्लाह जिसका लकब, अल्लाह ने जिसके साथ डायरेक्ट कलाम किया हो, बात की हो, वो नबी यूं कह रहा है कि अल्लाह मुझे इस नबी की उम्मत में पैदा कर दे। अब अंदाज लगाओ कि ये उम्मत कितनी बड़ी है। अब ये उम्मत कितनी बड़ी, कोई ये समझता है कि ये उम्मत का वो तबका बड़ा है जो बहुत बड़ा इल्म रखता है या जो बहुत बड़ी खूबसूरती रखता है या कोई दूसरे किसी मुल्कों में पैदा हुआ हो या उसका कोई चीज अंदाज अलग हो। नहीं नहीं भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस उम्मत में जो भी पैदा हुआ अल्लाह ने उसका वो मकाम अता फरमा दिया है, वो इस मकाम पर है ही इसलिए कि इस उम्मत का जो भी कोई एक फर्द भी, यानी जब ये उम्मत जन्नत में जब तक दाखिल नहीं की जाएगी, दूसरी उम्मतों पर जन्नत को हराम कर रखी है अल्लाह ने, हराम कर रखी है, इस उम्मत का मकाम अल्लाह दे चुके हैं। कभी तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया उम्मतन वसतन लितकून शुहदा अला नास व यकून अर्रसूल अलैकुम शहीदा। कोई उम्मत जो होगी कौन होगी, वो कयामत के दिन नबियों पर गवाही देगी, नबियों पर। अजीब एक बुजुर्ग से और एक आलिम से बहुत बड़ी बात सुनी, फरमाया कि कयामत के दिन नबियों को बुलाया जाएगा, कौमें आएगी और उनसे पूछा जाएगा कि आपने हमें क्यों नहीं माना, अल्लाह की तौहीद का इकरार क्यों नहीं किया। तो वो कौमें कहेगी कि हमारे पास आपकी तौहीद और रिसालत का, आपकी तौहीद का और कोई पैगाम हम तक नहीं पहुंचा। तो नबियों को बुलाए जाएंगे, नबी हाजिर होंगे और पूछा जाएगा कि आप तो इस कौम के नबी थे, आपने अपना पैगाम नहीं पहुंचाया। तो नबी कहेंगे बारी ताला हमने आपका पैगाम पहुंचा दिया, नबी कहेंगे। तो फिर उस नबी से वो कौमें जुटलाएगी क्या, नहीं ये नबी सच नहीं कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला उस नबियों से गवाह मांगेंगे कि अच्छा आप बताओ कि आपने ये बात पहुंचाई है, कोई गवाह है आपके पास। इसलिए मोहतरम अजीजो दोस्तों, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में आपने सहाबा जब जमा हो गए और ये आपका आखिरी हज था और आप पर ये आयतें आ गई कि आप अन करीब इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, इदा जा नसरुल्लाह वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا। जब ये आयत नाजिल हुई तो लोग खुश हो गए कि अब फतह हुई। इन्ना इदा जा नसरुल्लाह वल फतह ورأيت الناس, अब फतह और नुसरत हुई अल्लाह की, लोग जोक दर जोक अब दीन में दाखिल होंगे। तो सहाबा खुश हो गए लेकिन हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने रोने लगे, हजरत अबू बकर रोने लगे। पूछा कि अबू बकर ये क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया कि इस आयत में इशारा है कि अन करीब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की तरफ से मुकम्मल हो चुकी है बात। फिर क्या हुआ, फिर जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को जमा फरमाया अरफात में, और अरफात में जमा फरमाकर एक बात फरमाई कि मेरे सहाबा, मैंने जो दीन मुझ पर था अल्लाह की अमानत, मैंने तुम तक पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई।
ये तो सारे सहाबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये अमानत हम तक पहुंचा दी और इस अमानत का हक भी आपने अदा कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जब ये बात पक्की हो गई कि इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरे पास जो अमानत थी मैंने पहुंचा चुका हूं और उसका हक भी ये कह रहे हैं कि मैं अदा कर चुका हूं, तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह को गवाह बना लिया कि अल्लाह तू गवाही रहना कि मैंने तेरा अमानत, तेरी अमानत जो थी मैंने उन तक पहुंचा दी। ये गवाह अल्लाह को बनाया, तो वो नबी के साथ गवाही तलब की जाएगी मैदान महशर में, गवाही तलब की जाएगी कि आपने पैगाम पहुंचाया उसके कौन गवाह है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह तो जानने वाला है, उस तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, उसको तो सारा इलम है, उसका इलम तो सब चीज को जानता है। अल्लाह को जानते हैं कि नबियों ने क्या किया, नबियों ने सारी बातें पहुंचाई चुके हैं, सब कुछ हो चुका, अल्लाह के इलम में है, अल्लाह खुद गवाही दे देता। लेकिन मोहतरम अजीज दोस्तों, इस उम्मत का मकाम बताना था अल्लाह को कि ये उम्मत कौन है, अल्लाह को इस उम्मत का मकाम और उम्मतों को बताना था, अव्वलीन व आखरीन का मजमे में। फिर नबी कहेंगे कि हमने बात पहुंचाई, तो अल्लाह उसे गवाह मांगेंगे कि आप गवाही दे दो, तो वो नबी किसका हवाला देंगे, गवाह किसको बनाएंगे, इस उम्मत को कि उम्मत मुहम्मदिया को बुलाओ, ये हमारे गवाह हैं। अब वो कौमें जो खड़ी होगी और नबी उसके नबी इस उम्मत को बुलाने की दरखास्त करेंगे अल्लाह के सामने कि अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को बुलाओ जो हमारी गवाही देगी कि हमने इस रिसालत का हक अदा किया है, हमने आपका पैगाम पहुंचाया, हमने आपकी अमानत पहुंचाई, इसकी गवाह के लिए कौन बुलाए जाएंगे, ये हम और आप बुलाए जाएंगे, ये उम्मत बुलाई जाएगी। तो वो कौमें कहेगी कि बारी दाला, जब हम लोग दुनिया में थे उनका तो वजूद भी नहीं था, ये तो पैदा भी नहीं हुए थे, ये कैसे हमारी गवाही देंगे। ये उम्मत बुलाई जाएगी, गवाही देगी नबियों पर कि हाँ बारी ताला इन नबियों ने अपनी आपकी अमानत अपनी कौम तक पहुंचाई है। तो वो कौमें इनकार करेगी कि नहीं, इनकी गवाही हम नहीं मानेंगे। फिर पूछा जाएगा अल्लाह की तरफ से कि आप कैसे गवाही देते हैं, तो वो ये उम्मत मुहम्मदिया कहेगी कि अल्लाह आपने हम पर एक नबी उतारे, आपने हम पर एक नबी उतारे और उस नबी पर आपने कुरान उतारा और उस कुरान में आपने तमाम नबियों के वाकयात बयान किए, अगर आपका कलाम सच्चा है तो हमारी बात भी सच्ची है। जब जाके फरमाया कि उस नबियों का छुटकारा होगा, भाइयों अजीजो दोस्तों, ये अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया। तो हमने चूंकि ये समझा है कि उम्मत कोई और चीज है, ये उम्मत कोई और चीज है जिसके अंदर बहुत बड़ी सलाहियत हो, जिसके पास कुछ माल हो, जिसकी चमड़ी कुछ और किस्म की हो, नहीं मेरे अजीज दोस्तों, जब से हम पैदा किए गए हैं हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में उसी वक्त में अल्लाह के नबी फरमा रहे कि मेरा काम जो है वो मेरी उम्मत वाला काम है, मेरा जो काम है वो मेरी उम्मत का काम है। इसलिए भाइयों अजीजों दोस्तों, आप अंदाज लगाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में सहाबाओं को ये बात फरमाई कि जो जो हाजिर हैं, जिसको मैंने बात पहुंचा चुका हूं, अब मेरी बातों को तुम और तक पहुंचाना है, और तक पहुंचाने, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है हमारे पास, अल्लाह की अमानत है, हुजूर की अमानत है कि मेरे नबी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मेरे नबी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि मुझे अल्लाह के नबी के इस पैगाम को पहुंचाना है। इसलिए मोहतरम अजीज दोस्तों, अब अंदाजा लगाएं, सहाबा समझे हुए थे कि ये एक अमानत है, ये अल्लाह का दीन मेरे पास अमानत है, मेरे नबी ने हमें दी है। तो दरिया के किनारों पर जाते थे और यूं आवाज लगाते थे कि अगर हमें मालूम हो जाए
कि दरिया के इस किनारे पर अल्लाह के कोई बंदे बस रहे हैं और जिंदगियां गुजार रहे हैं, तो हम अल्लाह के इस दीन को वहां ले जाकर पहुंचाएंगे। यूं पहुंचाते हैं। तो भाई अजीजों दोस्तों, आप तो माशाल्लाह बड़ी उम्र वाले हो चुके हैं, कोई 15, 16, 17, 18, 19 साल के हो चुके हैं, और हमने अभी तक इसका एहसास नहीं लिया कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। देखो, सबसे पहला जवान जिसको जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था, कहां भेजे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अकेले को भेजा था, मदीना मुनव्वरा भेजा। जब मदीना वाले इस्लाम में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिले हज के मौके पर इस्लाम में दाखिल हुए, फिर उन्होंने दरख्वास्त की, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हमारे पास एक किसी को भेजो जो हमें दीन सिखाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका इंतखाब फरमाया? हजरत मुसैब इब्न उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब फरमाया। और वो मुसैब, उनकी उम्र कितनी थी? 17 साल की उम्र का वो जवान था। अगर हमारे इस मजमे में कोई टीचर हजरात हो तो वो जरा खड़े हो जाएं और उनका अलग से कुछ उनके साथ मशवरा, ऊपर वाले हिस्से में लाइब्रेरी है, वहां उनको जाना है। तो अगर हमारे टीचर हजरात मौजूद हो यहाँ पर तो वहां तशरीफ ले जाएं, बाकी दुरुस्त शरीफ कर लें और आगे की जगह थोड़ी सी पूर कर लें, मजमा काफी है ताकि आने वालों को थोड़ी सहूलत और अंदर में जगह मिल जाए। तो आप ध्यान से सुने, दीन की बात को ध्यान से सुनने का हक है। तो फरमाते हैं अल्लाह ताला, वल्लदीन यस्तमीउन अल-क़ौल फयत्तबिउन अहसना, कि जो बात को सुने और ध्यान से सुने और अच्छी इत्तबा करें। कैसी इत्तबा करें? अच्छी इत्तबा करें, इत्तबा भी करें और अच्छी से अच्छी करें। तो मैं जो वाकया सुना रहा हूं ना, वो अच्छी इत्तबा वालों का वाकया है। जो उनको, उनसे अल्लाह ने क्या काम लिया, उनकी उम्र कितनी थी? भले जरा जोर से, 17 साल की। आपकी उम्र कितनी है? 16 है। कोई है 17 वाले? हाथ खड़े करें, 17 साल की उम्र के, 17 हो, 17 से ऊपर वाले हो तो आपको भी कहीं भेज देंगे हम लोग। हुजूर ने भेजा था, कहो इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह करें कि अल्लाह के दीन के काम में आ जाएं, ये असल चीज है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई अपने मासूम बच्चे को लेकर। किसको लेकर आई? मासूम बच्चा। आप तो 16-17 साल के हो गए ने, वो तो मासूम बच्चे को लेकर आए और फरमाए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको अल्लाह के रास्ते में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बच्चा हमें इसको संभालना पड़ेगा, इसको अल्लाह के रास्ते में ले जाकर क्या करेंगे, क्या करेंगे उसको? तो उस मां ने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैं जानती हूं कि आपके लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन ये अगर आप उसको ले जाएंगे और कहीं से अगर कोई तीर आ गया, कोई आप पर कोई हमला के लिए आ गया, तो आप उसको आगे कर देना ताकि आपकी जान बच जाए और मेरा बेटा काम में आ जाए। ये थी माओ की तमन्नाएं, ये अजम था माओ का कि हमारे बेटे अल्लाह के रास्ते में काम में आ जाएं। अल्लाह करें हमारे माँ बाप के दिलों में भी अल्लाह वो जज्बा पैदा फरमा दे। तो वो एक साहबी अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो अजीब बात, वो जब अल्लाह के रास्ते में जा रहे थे तो माँ से कहा, माँ गले मिल लेते हूँ, माँ गले मिल ले, हो सके दोबारा मुलाकात हुई या ना हुई, माँ गले मिल ले। तो माँ से गले मिलने गए, माँ ने सीने से लगाया, माँ ने सीने से लगाया तो देखा कि अंदर में बख्तर पहना हुआ है, बख्तर जो जो ढाल जैसी होती है ना, जिसे किसी चीज से हिफाजत हो, तीरों से, तलवारों से बदन को हिफाजत हो जाए। तो माँ ने कहा, बेटा ये क्या पहना हुआ है? कहा कि अम्मी जान, ये बख्तर पहना हुआ है। माँ जानती थी कि ये बख्तर है। कहा कि बेटा
व्यक्तियों ने अपनी हिफाजत के लिए इसको पहना है, लेकिन अगर तू उसको नहीं उतारेगा तो मैं तुझे तेरा दूध माफ नहीं करूंगी, मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी। तेरे जिस्म से कई गुना ज्यादा अल्लाह का दीन बड़ा है, तेरा जिस्म कोई हैसियत नहीं रखता अल्लाह के दीन के सामने। बेटा ये कोई हैसियत नहीं, अगर तेरा जिस्म में तीर और तलवार लगकर तो अल्लाह का प्यारा हो जाए। तो अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने वो बख्तर निकाला, माँ की नसीहत सुनी और चल पड़ा। माँ बूढ़ी थी, चल पड़े। बस वही हुआ जो मुकद्दर में लिखा हुआ था, शहादत हो गई और दुश्मनों ने उनकी नाश को दरख पर लगाई। कहाँ लगाई? दरख पर लटकाई। 3 दिन हो गया अभी वो नाश दरख पर लटकी हुई है। उस माँ का वहां से गुजर हुआ, माँ ने देखा तो क्या हाल होगी, उस माँ का दिल कैसा होगा, कैसे हाय वावेला करती होगी, कितनी रोएगी चिल्लाएगी। उसकी ममता नहीं थी, माँ की ममता मोहब्बत नहीं थी। तो माँ ने जब बेटे के नाश को देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाने लगी, क्या ये शहसवार के लिए अभी नीचे उतरने का वक्त नहीं आया? ये फरमाने लगी, क्या शहसवार के लिए अभी नीचे उतरने का वक्त नहीं आया? 3 दिन हो गए थे उनके नाश को। तो मेरी माँ बहन, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये थी उस औलादों की परवरिश की मंशा। हमने तो कभी किसी ने सिखाया नहीं है कि हम क्यों पैदा किए गए। तो पहला जवान जिसकी उम्र कितनी थी, 17 साल, कौन थे वो, बोलिए जोर से, भूल गए ये लोग सब, मुसायब इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। और वो कौन थे? बहुत हसीन जमील थे, खूबसूरती बहुत थी उनमें, हुस्न जमाल बहुत था उनमें। थोड़ी जल्दी पूरी कर लो, जो बाहर बैठे हैं बच्चे उनको सुनाई नहीं जा रहा है, और यदि उसमें कोई वीजा ना बना रहे इसमें से रूट हो गए मुनासिब नहीं। देखो अपने आगे की जगह खाली है, अपनी आगे जगह खाली है, जरा उसको थोड़ा थोड़ा हरकत कर लो, ताकि जो बाहर बच्चे बैठे हैं बहुत कुर्बानी से आए हैं माशाल्लाह, उनको आवाज पहुंच जाए, और हरकत कर लो और थोड़ा सा अपने तकाजे को दबा लें, एक आधा घंटा पौना घंटा पेशाब वगैरह के बहाने से शैतान हमें बाहर ले जाएगा, और थोड़ी हरकत कर लो और आ गया बोलो, बाहर वाले अंदर आ जाओ। देखो ये जगह पूरी कर लो, आपके आगे जगह है और आ जाओ। माशाल्लाह देखो इस तरफ जगह, से उठने का कोई यानी अमल न करें, थोड़ा सा अपने तकाजों को दबा लें तो शैतान बहाने से ले जाता है, और कीमती बात होती है उस वक्त हम बाहर तक उठकर चले जाते हैं, जिस वक्त हमारे हिदायत का मौका होता है हम शैतान हमें बाहर ले जाता है। तो उठेंगे तो नहीं भाई, हर भाई उठेंगे नहीं है, तो उठता हो तो उसके पाँव पकड़ के जरा हिम्मत से बिठा दीजिए, ठीक है? तो ये जो फरमा रहे हैं हिदायत है हमें कि कैसे बैठना, कैसे सुनना। तो हमने बड़ों से सुना कि जो सुनने का हक अदा करता है, सुनने का हक अदा करता है, अल्लाह उसको अमल की तौफीक भी अदा फरमा देता है। एक तो है कि किसी ने मजलिस में शिरकत कर ली, शिरकत से सवाब मिल जाएगा, आपको सवाब मिल जाएगा, लेकिन जिस मकसद के लिए हमें बुलाया जा रहा है वो मकसद हमसे फौट हो जाएगा। इसलिए ध्यान तवज्जो के साथ सुने और नियत भी करें कि इंशाल्लाह जो बातें सुनेंगे उस पर अमल भी लाएंगे। हाँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात है, बंदे को दिलों को देखती है अल्लाह ताला, बंदे को दिलों में क्या है अल्लाह ये नहीं देखते कि इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु असामुकुम, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखते, तुम्हारे चेहरों को नहीं देखते हैं कि तुम्हारे चेहरे कैसे हैं, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखते हैं, भला कि नज़रुला खुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखते हैं कि दिलों में क्या नियत लेकर बैठे हैं।
तो जो नीयत हमारी होगी अल्लाह ऐसे हमें अमल की तौफीक भी नसीब फरमाए। तो कहो इंशाल्लाह जो बातें अल्लाह करें कि हमें जो सुनी जाए उस पर अमल भी करेंगे। तो ये आपकी तलब बड़ा हमारे दिलों में अल्लाह डालते हैं, जितनी आप में तलब होगी ऐसी अल्लाह की तरफ से बातें दिलों पर उतरती है। कहने वाला अल्लाह की तरफ से होता है। एक बुजुर्ग ने अजीब मिसाल दी कि देखो एक बकरी का बच्चा है, जब बकरी जो कभी माँ आती है तो उसके थन में दूध नहीं होता, उसके थन में दूध नहीं होता, लेकिन बच्चा माँ की थन में मुंह डालता है, तलब करता है, बार बार मुंह डालता है, तो अल्लाह अपने खजानों में से माँ की थन में दूध उतार देता है। ऐसे ही ये मजमा अगर तलब के साथ बैठेंगे तो अल्लाह कहने वालों से आपके दिलों में उसका नूर उतार देंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था भाई अजीजों दोस्तों, चूंकि हमें किसी ने समझाया नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा जिंदगी का मकसद क्या है, हमने कभी किसी ने समझाया नहीं है। चूंकि एक माहौल से हम लोग गुजर रहे हैं, जैसे सुबह होती है माँ बच्चे को तैयार करती है स्कूल जाने के लिए, तो माँ क्या समझती है कि मेरा बच्चा अच्छा तालीम लेगा, अच्छी डिग्री हासिल करेगा, अच्छी पोजीशन आएगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जिंदगी गुजरेगी, ये माँ ने मकसद समझ लिया है मेरा, है ना। और ये सब पूरी दुनिया के जितने भी लोग इस तरीके से चल रहे हैं सुबह से शाम तक, उनकी जिंदगी का मकसद उन्होंने यही बना रखा है। लेकिन हम जो बता रहे हैं, जो मकसद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ये मकसद इस उम्मत का है। पहले दिन से समझ ली थी माएं कि मैं बच्चे को क्यों पैदा कर रही हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी का मकसद क्या बने। तो उस माँ ने क्या कहा, वो बूढ़ी थी, बुढ़ापा का आलम था, जब बच्चे को देखा तो कहने लगी, क्या इस शहसवार के लिए अभी तक नीचे उतरने का वक्त नहीं आया। ऐसा कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वहां से गुजर चुकी। कोई हाय बाबेला नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी जिस मकसद के लिए मैंने उसको बड़ा किया था मेरा मकसद पूरा हो गया, मेरा ये मकसद पूरा हो गया। तो भाई अजीजो दोस्तों, अल्लाह करें कि ये जिंदगी का मकसद हम समझ लें कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ने बहुत बड़ी चीज हमें दी है, बहुत बड़ी चीज। अल्लाह का दीन बहुत बड़ा दीन है। इस दीन जो अल्लाह ने बड़ी बड़ी अमानत बड़ी बड़ी मखलूक पर पेश की थी, पहाड़ पर, आसमानों पर, जमीन पर, कितनी बड़ी मखलूक है ये, और कहा कि इस मखलूक ने इस दीन को उठाने से आजीजी इख्तियार कर ली थी कि हमारे बस में नहीं कि हम इसको उठा सकें, और अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमा दिया। ये इतना बड़ा दीन है जो बड़ी मखलूक नहीं उठा सकी, उसके में जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दी कि मैं एक दीन का जिम्मेदार हूं। अब चूंकि ये अल्लाह हमारे साथ है, ये पूरी जिम्मेदारी कैसे पूरी होती है, अल्लाह साथ है, अल्लाह तो हमें सिर्फ आगे बढ़ाना चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, करूंगा मैं ही, कौन करेंगे, अल्लाह करेंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुसैब इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, कहाँ भेजा, मदीना मुनव्वरा भेजा, और वो अकेला था। और उनकी उम्र जो थी 17 साल की थी, और वो बहुत नाजुक तबीयत के थी, रईस खानदान में परवरिश पाई थी, रईस खानदान, उनके माँ बाप बहुत रईस थे, माल वाले थे, और वो खुद भी हुस्न जमाल वाले थे। उस जमाने में कोई बाहर से इतर बेचने वाला मक्का मुकर्रमा में आए तो उनको इजाजत नहीं थी इतर बेचने की, जब तक कि मुसैब इब्ने उमर के बाप के पास पहले न चला जाए। जब वो खरीदते थे फिर बाद में जाकर वो बाजार में बेचते थे, ऐसे नाजों में पले हुए। तो मुसैब जिस अतर को इस्तेमाल करते थे तो जो गलियों से गुजरते वो गलियां महक जाती थी, तो उनके बाद वाले जो आते थे वो ये समझते थे कि इस गली से मुसैब गुजरा है, उस गली से कौन गुजरा है, मुसैब इस गली से गुजरा है। और यूं आता है कि उनकी जुल्फे बहुत बेहतरीन थी, बालें
बहुत बेहतरीन बाल थे, तो लड़कियां उसकी ख्वाहिशमंद रहती थी कि मुसैब हमारी तरफ मुतवज्जे हो। लड़कियां ख्वाहिशमंद थी, इतने नाजों में पले हुए, लेकिन जब दीन पढ़ा, जिंदगी गुजारी, जब दीन पढ़ा है, इस्लाम कबूल किया, माँ बाप अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, तो बाप को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में आकर बाप ने पहने हुए कपड़े भी छीन लिए कि ये दीन अगर तू नहीं छोड़ेगा तो ये तमाम नेमतें तुझ पर बना है, कोई एक चीज का भी हकदार तू नहीं है। बल्कि यहां तक आता है कि पहने हुए कपड़े भी इमाम ने छीन लिए। जब नंगे हो गए, कपड़े के बगैर हो गए, तो मां को रहम आई, मां को रहम आई, तो मां ने एक चादर डाल दी उस पर, एक चादर मां ने डाल दी। उस बच्चे ने एक चादर की लूंगी बनाई, एक को नीचे बांध लिया और दूसरी को कंधे पर डाल दिया। इस हाल में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। अब चुके भाई हो चुके हो, दीन चुके उन्हें महबूब था, सारी नेमतों से ज्यादा महबूब कौन सी चीज थी? दीन महबूब था। फिर जब मदीना वालों ने मुतालबा किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास किसको भेजो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसैब इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। एक साल हमारे मौना इब्राहिम साहब दामत बरकातों फरमाते थे कि ये पहला जवान था जिसने एक साल लगाया अल्लाह के रास्ते में, पहला जवान जिसने एक साल लगाया। फिर खैर पहुंचे, मेहनत की, ऐसी मेहनत की कि उनकी मेहनत के नतीजे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से पहले ही मदीना मुनव्वरा के तमाम खानदान में दीन पहुंच गया था, तमाम खानदान। चंद बच्चे अभी चंद दिन पहले मुझे मिले, मैंने कहा कि देखो आप लोग 10-12 हैं आप लोग, और वो सहाबी अकेले थे और उन्होंने मेहनत की तो पूरे खानदानों में दीन आ गया। मैंने कहा कि आप नियत करो कि आपके मोहल्ले में कितने घर होंगे, तो उन्हें कहने लगे 50 घर हैं। तो मैंने कहा कि 50 घर पर आप ऐसी मेहनत करो कि 50 घर में कोई एक भी बेनमाजी न रहे। और मोहलत कितनी दी? मैंने कहा एक साल की मोहलत ले लो, एक साल की मोहलत ले लो कि अगले साल इंशाअल्लाह मैं ऐसी मेहनत करूंगा कि मेरे इस मोहल्ले में कोई एक भी बेनमाजी न रहे। आप ऐसी नियत करेंगे? हमारे सामने कोई आजम हो कि हमें कुछ करना है, तो भाइयों अजीजों दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने एक बहुत बड़ी बात कही इस जवानों को, खास तौर पर जवानों को, हमें तो शऊर नहीं है, बेशऊरी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे और आम लोग। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, तो एक मिसाल देते हैं अक्सर, आपने भी सुनी होगी, और ये बड़ों की मिसाल में तासीर बहुत होती है, मिसालों से बात समझने में आसानी होती है, तमसील से तफहीम में तहसील हो जाती है, कोई मिसाल देने से समझने में आसानी पैदा हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी, कुरान पाक में भी बहुत सारी मिसालें अल्लाह ताला शानहु ने भी खुद अता फरमाई। तो हमारे एक बुजुर्ग ने मिसाल दी कि देखो हमारी हालत कैसी है। फरमाया कि एक चरवाहा बकरियों के चराने वाला, उस चरवाहे को कहीं से शेर का बच्चा मिल गया, शेर का बच्चा मिला, उसने उठाया, अपनी बकरियों की रिवर में रख दिया। अब वो बकरियों का दूध पीता है, बकरियों के साथ सुबह से शाम तक चारा चरता है, और उसी में अपने जिंदगी गुजार रहा है। इस हाल में वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। वो बच्चा क्या हुआ? बड़ा हो गया। किस में बड़ा हुआ? वो बकरियों के साथ। बड़ा होते होते
अपनी तमाम असलियत भूल चुका कि मैं कौन हूं, मुझे कुछ पता नहीं। अब वो बें करता है, बकरी का दूध पीता है, चारा चरता है, नीचे मुंडी करके शाम को सुबह से जाता है, शाम को वापस आता है। ये हाल उसका हो गया। आज बताओ हमारा हाल भी यही है, सुबह से शाम तक हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही गुजारते हैं जैसे औरों ने तय की है। हमारे सामने कोई अपना मकसद ही नहीं, भूल चुके हैं कि हमारा असलाफ की जिंदगी क्या थी। अल्लामा इकबाल ने उस पर एक बात बहुत बड़ी फरमाई कि एक परिंदा है, परिंदा उनका नाम है इकाब। क्या नाम है? इकाब। वो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर उसकी परवान होती है, बहुत ऊंचाई पर। तो अल्लामा इकबाल ने उसके साथ तशबीह दी है इस जवानों को। अल्लामा इकबाल ने उस जवानों को एक तशबीह दी है उन परिंदे के साथ। तो फरमाया कि इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसे अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उसे अपनी मंजिल आसमानों में। हमें ये चीज कुछ नजर नहीं आता कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि लोग यूं कह रहे हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, हजरत फरमाते थे। अजीब बात है, हजरत की कलाम तो अजीब अल्लाह ने बताया। तो फरमाते थे कि इनको ये इन बिचारों को ये पता भी नहीं है कि चांद तो अल्लाह की मखलूक है, तो मखलूक से जाकर मिला, नौकर के से जाकर मिला, तो ये कौन सी कमाल की बात है। हम तो ये चाहते हैं कि ये अल्लाह से मिल जाए और अल्लाह उसे मिल जाए। यदि से पाक में भी है, मन कान लिल्ला है कान अल्लाह लहू, जो अल्लाह के हो जाते हैं अल्लाह उसका हो जाता है। तो खालिक कायनात हमारी बन जाती है, वो अल्लाह कहते हैं कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है। अल्लामा इकबाल ने और फिर और बात बताई, वो शायर याद रहेंगे आपको, यानी वो जज्बा आपके दिलों में उसकी ऊपर की परवान नजर आएगी तो आपको भी अपने ऊपर ही नजर आएगा। इकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसे अपनी मंजिल आसमानों में। हम तो बहुत ऊंची परवान के चलने वाले हैं। फिर अल्लामा इकबाल ने इस पर एक बात में, जैसे मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, तो फरमाया अल्लामा इकबाल ने कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझी से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तेरे बंदे तू क्या चाहता है, मैं ऐसा कर दूंगा, तेरी चाहत मैं पूरी कर दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं, हमें फरमा रहे हैं भाइयों, अजीजों, दोस्तों। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कहां थे हम लोग पता है, कुछ मालूम है? तो मुसैब इब्ने उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हाँ, मैं ये कर रहा था कि आप भी अजम बनाओ कि हमारे मोहल्ले में एक भी बेनमाजी न रहे। देखो जब जज्बा बनता है तो अजीब किस्म की जज्बात दिलों में पैदा हो जाते हैं। एक बच्चे ने वक्त लगाया अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, क्या जज्बे बनकर आया। वो भी बड़े माशाल्लाह नाज में पला हुआ बच्चा था, बड़े घरानों का, जमात में निकल पड़ा। तो जब जमात से वापस आया तो माँ बाप खुश थे, माँ भी खुश थी, बाप भी खुश थे। बाप किसी जगह अफसर में थे, किसी अफसर थे, और माँ बैंक की मैनेजर थी। माँ जो थी बैंक में काम करती थी। तो जब बच्चा वक्त लगा कर आया तो माँ बाप इंतजार में थे। थोड़ा 19 साल का बच्चा स्टूडेंट के साथ गया जमात में। तो जब वापस आया तो माँ ने इसके लिए तैयारी की, बेटा आएगा खाना के लिए, खाना पकाया, अच्छा खाना पकाया। सुने बेटो, सुनो इधर देख बेटा, क्या हो रहा है, तकलीफ है, यहाँ आ जा, अगर ठीक से जगह नहीं है तो इधर खड़ी, इधर आ जा। तो वो बच्चे ने क्या किया, जब घर पहुंचा माँ ने कहा खैर खैरियत पूछी, माँ बाप की खैर खैरियत पूछी, फिर माँ ने कहा अच्छा बेटा अच्छा किया, तो अच्छी जगह जाकर आया, तो ये अब खाना खा ले। तो बच्चे ने कहा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो कहा क्यों,
कहा कि नहीं, मेरी दो शर्त हैं। मेरी क्या? दो शर्त हैं। अच्छा, कौन सी शर्त हैं? कहा कि आप पहले वादा करो कि मैं ये दो शर्त पूरी करूंगा तो मैं खाना खाऊंगा। तो बड़ी अजीब बात थी। तो मां समझ गई कि क्या बेटा, तेरी जो शर्त है पूरी कर देंगे। कहा कि नहीं मां, मेरी शर्त सुन ले पहले। कहा कि बता बच्चा, क्या चाहता है तू? जब अंदर में चीज आती है ना तो अजीब कैफियत मिलकी हो जाती है। तो उस बच्चे ने कहा कि अम्मी जान, दो शर्त मेरी ये हैं। एक शर्त तो ये है कि तू बैंक में जो काम कर रही है ये काम हमारे लिए जायज नहीं है, इससे रिजाइन दे दें, इसको छोड़ दें। अब ये आसान काम था, मां से एक बच्चा 18 साल का ये कह रहा है कि मां तू इस हराम काम को छोड़ दें, ये हमारे लिए जायज नहीं है। देखो अल्लाह ने कैसी ताकत रखी है भाई अजीज दोस्तों, के हिम्मत के साथ कह रहा है मां से, जब जाके मैं खाऊंगा। दूसरी शर्त यह है कि मेरे वालिद साहब 4 महीने अल्लाह के रास्ते में चले जाएं। क्या करें? 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाएं। भाई अभी वालिद साहब के लिए कोई पूछे कि 4 महीना जाना है, वालिद साहब क्या आने ले जाओ? नहीं, आने बहुत जरूरत है हमारा। लेकिन उस बच्चे ने क्या नियत की? मेरे वालिद साहब 4 महीने में जाए और तू रिजाइन दे दे। ओ अल्लाह, अब बड़ा संगीन मसला आ गया। कहता बेटा हो जाएगा, देख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन खाना खा ले। कहा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मां समझाती रही, दोपहर से जोहर चली गई, असर आई, असर चली गई, मगरिब आई, मगरिब से बेटा खा ही नहीं रहा, ईशा आ गई, बेटा खा ले, हो जाएगा, देख लेंगे, बेटा नहीं खा रहा। 12 बज गए रात में, माँ बाप परेशान हो गए, तो बेटा नहीं खा रहा। चूंकि हक बात के पीछे अल्लाह की मदद है, हमारे हजरत मौलाना मौलाना जो अबरार साहब थे, जो उनके एक जुमला मैंने अपने एक बयान में हजरत फरमाते थे, जब कोई हक कलमा अपनी जुबान से आप निकालोगे उसके पीछे अल्लाह की बहुत बड़ी ताईद होती है, अल्लाह उसको पूरा कर देते हैं। तो उस बच्चे की जुबान से निकली हुई चीज थी। तो 12 बज गई रात में, तो मां ने तो फैसला सुना दिया कि बेटा अच्छा मैं तेरी आंखें ठंडी कर देता हूं, खा ले। कहा कि मां अभी तो एक शर्त मेरी पूरी हुई है। तो मां बाप के पास गई और उसको समझाने लगी कि हमारी खैरखाई चाहता है बेटा, क्योंकि दिल अल्लाह के कब्जे में है। तो बाप ने कभी वास्ता ही नहीं था तबलीग से, और बाप ने इरादा सुना दिया कि मैं भी इंशाल्लाह 4 महीने अल्लाह के रास्ते में चला जाऊं। जब जाके उस बच्चे ने खाना खाया है भाई अजीज दोस्तों, मैं एक मर्दा एक मरकज पे था, एक हसीन जवान बच्चा मेरे पास पगड़ी बंधा हुआ और खूबसूरत, सभी जुमा में मेरे पास था। वो सुबह में मुझे कहने लगा कि मौलाना आप ऐसा एक काम करेंगे, मेरे तारुफ नहीं था उसे, मैंने सिर्फ देखा था उसको, लेकिन वो आया मेरे पास सुबह में। क्या कि मौलाना एक बात करेंगे, एक काम करेंगे। मैंने बोला बताओ क्या काम है? क्या कि मेरे वालिद साहब जो हैं बड़े ऊंची डिग्री वाले हैं, मैं चाहता हूं मेरे वालिद साहब से भी आप मुलाकात करें, मेरे वालिद साहब से भी आप मुलाकात करें। हर एक से नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे हो जाए। मैंने कहा, मैंने जब उसके दिल की बात सुनी, कहा कि देखो, फिर मुझे कहने लगा कि ये बड़े संजीदा है, आप समझ बूझ के साथ उसके साथ बात करें। देखो बच्चा बाप की नफसानियत भी जानता था। तो खैर वो मुझे ले गया आपके वाले साहब, बड़े अहगाम इतराम इकराम के साथ बातचीत हुई। तो मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह, एक जवान के दिल में जब ये फिक्र पैदा हुई कि कामयाबी अल्लाह के दिन में है, तो मेरे माँ बाप कैसे दीनदार बने, मेरे बाप की जिंदगियों में कैसे दीन आए। ये आपके जज्बे से अल्लाह ताला कौमों की कौमों को अल्लाह ताला हिदायत की तरफ ले आएंगे। तो भाई अजीज दोस्तों, आप कोई मामूली लोग नहीं है, आपकी हैसियत बहुत बड़ी है।
एक तो वाकया मैंने मुसअब इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का सुनाया, जब अल्लाह के रास्ते में उनकी जिंदगी गुजर गई और इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नाश को देखा नहीं, एक मरतबा हुजूर के सामने से गुजरे मुसअब इब्ने उमर तो उनके कपड़ों पर पैवन लगे हुए थे, ठिंगना पे क्या ठिंगरू मारा तो पैवन लगे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू से आंसू निकल पड़े कि ये कैसे नाजों में जिंदगी गुजारने वाला आज वो वक्त भी आया है कि उसके जिस्म पर कपड़े में पैवन लगे हुए हैं, सही पैमन भी, और जब दुनिया से गए हैं तो उनके पास पूरा कफन नहीं था, पूरा कफन नहीं था, चादर एक तरफ अगर सर ढाके तो पैर खुल जाते थे, पैर खोलते थे तो चादर या सर खुल जाता, अगर पैर को ढाका जाए तो सर खुल जाए और सर ढाकते थे तो पैर खुल जाते थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अनाश को देखकर हुजूर की आंखों से आंसू निकल पड़े कि कैसा जवान था, क्या जिंदगी गुजार कर दुनिया से रुखसत हुआ, लेकिन इनकी इन कुर्बानियों से कितने लोगों को हिदायत मिली हुई, कितने इनका तस्वर कोई कर सकता है, इनका एजाज तो अल्लाह करेंगे, जो आखिरत में उनका एजाज होगा वो क्या होगा, अल्लाह जो एजाज देंगे। तो भाई अजीज दोस्तों, ये एक अल्लाह ने हमें आपको एक निस्बत दी है, हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हमारे अंदर में बहुत बड़ी कैपेसिटी है, बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो एक तो ये फिक्र हमारे अंदर में पैदा हो कि मैं हुजूर का उम्मती हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद ये है, बड़े हिकमत वाले होते हैं। दूसरा वाकया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, देखो हम कौन हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी जिंदगी की आखिरी आखिरी आपने जमात बनाई, ये आखिरी जमात थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, और उसके अमीर किसको बनाया गया मालूम है आपको, है आपको मालूम है कि हुजूर ने जो आखिरी जमात बनाई थी उसका अमीर कौन था, हमें तो ये मालूम है कि पहला फर्स्ट बॉलर कौन है, पता है कि नहीं कि पहला हमारे हिंदुस्तान मुल्कों की टीमें खेलती है, मुझे पता नहीं चल रहा कि हमारा एक छोटा सा नवासा है तभी 6-7 साल का हो, मुझे कभी कहता है कि वो फुटबॉलर ने फलाना बॉल गोल खेल दिया, मैंने कहा देखो ये बच्चा ये समझता है, तो ये हम समझते हैं, लेकिन हमें पता है कि हुजूर ने जो आखिरी जमात बनाई थी उसका अमीर कौन था मालूम है, हाथ उठाए, अल्लाह अकबर माशाल्लाह, देखो हमने तो कभी कोई मालूमात भी नहीं की, मैंने कहा ना क्या हम तो वो भेड़िए बकरी के साथ चरते चरते वैसे हो गए हैं, वो बात अभी पूरी नहीं हुई है ना, वो शेर के बच्चे वाली हो गई नहीं, अभी और एक बाकी है उसमें, बच्चा उसमें बड़ा होता रहा, याद दिलाना फिर कहीं आगे चला जाता हूं तो वो बात पीछे वाली रह जाती है, तो वो बच्चा उसमें बड़ा हुआ, मिसाल में दे रहा था ना, तो वो ऐसे ही जा रहा है बकरी के साथ, मैं करता है नीची मुंडी करता है, सुबह से शाम तक आता है वापस आ जाता है, हमारा हाल भी यही बना है, हमारे एक साथी कहते हैं हमारे सामने खाना पीना मकान दुकान ये सारी चीजें हैं, उसके अलावा कोई चीज सामने नजर ही नहीं आती है कि हमें और किस मकसद के लिए है, तो बस उसकी ने इसी तरह एक दिन शेर आया, शेर हमला के लिए बकरियों पर, बकरियों पर हमला के लिए कौन आया, शेर आया, तो उसने तो देखा उसने बकरी पर हमला नहीं किया, उसने कहा ये तो अजीब तमाशा है यार, ये शेर और ये बकरियों के अंदर में, उसके पास गया उसको अलग से अलग किया, अलग करके उसको समझाया कि तू कहाँ है, तू कौन है, तेरी हैसियत क्या है, तू क्या बना गया हो, कहा कि मैं तो बकरी हूं, मैं और क्या हूं, ये मेरी कौम है, मैं उसके साथ बड़ा हुआ उसके साथ रहता हूं, मेरी जिंदगी तो इसी गुजरती है, उसने कहा नहीं 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 नहीं, आज हमें भी इसीलिए समझाते हैं ना कि देखो तुम कौन हो, वो भी बड़ा समझदार शेर था, ऐसे ही अल्लाह करे हमारी समझ में भी आ जाए, तो वो इसीलिए समझाते हैं, तो उसको अलग ले गया, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है,
आज हम भी समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि यार ये क्या सारी बातें बता रहे हैं। लेकिन जब समझ जाएंगे ना तो हकीकत अल्लाह हम पर खोल देंगे कि तुम कौन हो। तारिक इब्न जियाद रदी अल्लाह ताला, तीन सहाबा की जमात, वो अभी बाकी है। मैंने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जमात भेजी थी ना, उसका आप किसी से मालूम कर भी कर लो कि वो कौन थी वो अमीर, ठीक है ना। जब आप कहेंगे तो वो वाकया पूरा कर दूंगा। तो ये कहते हैं हजरत हुज़ैफा रदी अल्लाह, और सहाबी थे इंशाल्लाह। तो वो जो थी, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। वो कौन थे तो मैं क्या कह रहा जी, तारिक इब्न ज़ियाद, तीन सहाबा, तीन जमात लेकर चले, तीन सहाबा, तीन जमात लेकर चले। एक कौन थे? एक तारिक इब्न ज़ियाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ताबीन में से थे। एक मोहम्मद बिन कासिम, एक और उकबा इब्न नाफे, तीन। तीनों की उम्र बराबर थी, 16-17-18 साल की उम्र के थे तीनों। उकबा इब्न नाफे या अफ्रीका के मुल्कों में गए, अफ्रीका के मुल्कों में, उनकी खबर भी वहीं पर है। और तारिक बिन ज़ियाद ये यूरोप में गए, यूरोप में। और ये मोहम्मद इब्न कासिम ये हिंद के रास्तों में यहां आए, एशिया की तरफ। ये हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान जब भी एक मुल्क था। अब तीनों कुछ अजम लेकर गए, तीनों अजम लेकर गए हैं कि क्या अजम लेकर गए? तीनों ने अपनी जमात को ये बात बताई कि या तो अल्लाह का दीन यहां जिंदा होगा या हमारी कब्रें यहां बनेगी, या हमारी कब्रें बनेगी। तारिक इब्न ज़ियाद रदी अल्लाह ताला अन्हु के वाकयात में आता है कि उन्होंने साथियों को कहा, दरियाई रास्तों से गए थे तो उनको बताया कि आप कश्तियों में आग लगाओ। क्या कहो? कश्तियों में आग लगाओ ताकि वापसी का इरादा ही न रहे, वापसी का इरादा न रहे। या तो अल्लाह का दीन जिंदा होगा या अल्लाह हमारी कब्र यहां बना देंगे। क्या अजम लेकर गए थे? तो ये जो अफ्रीका के ममालिक है ना, ये कोई मुस्लिम ममालिक नहीं थे, जो आज इस्लामिक ममालिक है। और इनकी जुबानें कुछ अरबी जुबान नहीं थी। दीन भी जिंदा हुआ और अल्लाह ने उनकी जुबानों को भी बना दी, बदल दी, उनकी जुबान भी अरबी बन गई या अरब ममालिक कहने लगे। हालांकि वो अरब ममालिक नहीं थे। स्पेन में 700 साल हुकूमत कायम रही है मुसलमानों ने, 700 साल। हिंदुस्तान में 700 साल मुसलमान। तो चूंकि अल्लाह ने बड़े जज्बे रखे हैं हमें, तो अल्लाह हमसे काम लेने वाले हैं। अल्लाह ने तय किया है कि इस उम्मत के कंधे पर रखकर ही मैं दीन को दुनिया में चलाऊंगा। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, उसका इरादा ही वजूद है। वो जब भी इरादा कर ले दुनिया में हिदायत फैला सकता है। लेकिन चूंकि इस उम्मत से अल्लाह मोहब्बत कर चुका है, इस उम्मत को अल्लाह इंतखाब कर चुका है कि मैं इसे काम ले लूंगा, फिर चाहे आप थोड़े हो, फिर चाहे आप अकेले हो, आप फिर कुछ भी हो, अल्लाह आपसे काम ले लेंगे। भाइयों, अजीजों, दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि वो शेर ने आकर उस बकरी पर हमला नहीं किया, अपनी कौम पर हमला किया, उसको अलग से किया, समझाया, लेकिन वो समझ नहीं रहा। तो उसको क्या किया कि चलो थोड़ा मेरे साथ चले, उसको ले जाया। और कहाँ ले गया? जहां तालाब था, पानी का किनारा था, वहां ले जाकर उसकी शक्ल दिखाई कि देख मेरी और तेरी शक्ल एक ही है। फिर उसने जोर से गरज खाई, चिल्लाया वो, तो उसकी चिल्लाहट से पूरा जंगल सन्नाटे मच गया, जंगल में सन्नाटा छा गया। फिर उसको कहा अब तू भी लगा।
शुरू में उसकी आवाज नहीं निकली, लेकिन निकलते निकलते फिर उसकी आवाज भी वही बन गई। तो भाई अजीजों दोस्तों, हम वही लोग हैं। अभी हमारी आवाज भी खत्म हो चुकी है, हमारी सब पस्तियों में आ गए हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करें। फरमाया जिस कौम की आपको मुस्तकबिल देखना है तो उस कौम के जवानों को देख लो। आपका मुस्तकबिल जैसे इनकी जिंदगियां गुजर रही है ऐसे ही आपका मुस्तकबिल होगा। तो आप तो कौम का मुस्तकबिल हैं, आप कौम का मवाद हैं, आप कौम की क्रीम हैं। आप जो चाहेंगे दुनिया में वो चीज वजूद में आएगी। हमारे मौलाना तारिक जमील साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत ने, बड़े दर्द के साथ जवानों को कहते थे कि देखो कौन है आप लोग, ये जो ये जमाना है ना जवानों का है, जवानों का है। जब ये जवान जिस फील्ड में आ जाता है उस फील्ड की हालत बदल देता है। अल्लाह ने इतनी बड़ी कुव्वत उसमें रखी है। तो हजरत फरमाते थे कि अल्लाह करे कि हम में बेदारी आ जाए। क्या आ जाए? बेदारी आ जाए। मैं कौन हूं, मेरी आवाज में कितनी कुव्वत है, मेरी आवाज में कितनी कुव्वत है। सहाबा ने जब किसरा के दरबार में जाकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया, अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तकबीर बुलंद की, तो उनके महलात हिल गए, किसरा के महल हिलने लगा। तो वो ताज्जुब करने लगा कि क्या ये कलिमात, ये तकबीरें तुम अपने घरों में पढ़ते हो तो क्या तुम्हारे घर हिलते हैं? ये पूछने लगा। उसने कहा कि नहीं, हमारे घर नहीं हिलते, लेकिन चूंकि अल्लाह ने उनके रौब ऐसा डाला था कि उनके कलमात से उनके दिल तो क्या उनकी दीवारें हिलने लगी। फिर उसने सोचा कि क्या किया जाए, इनके साथ कैसा हो, उनसे हम मुकाबला करें या उनसे सुलह करें। तो उसने पादरियों से मशवरा लिया, अपने उलमाओं से, अगली किताब के जानने वालों से मशवरा लिया कि उनके साथ क्या करना चाहिए। तो उसने बताया कि देखो, दो बातें अगर उनमें पैदा हो जाए। कितनी बातें? जोर से कहें पीछे वाले भी। दो बातें अगर इनमें पैदा हो जाए तुम उन पर गालिब आ सकते हो। इससे पहले हिम्मत मत करना उनसे बेरन की। कहा क्या बात? दो बातें। कहा कि एक बात तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये लड़कियों के लालच में पड़ जाए, क्योंकि वो हुस्न वाला मुल्क था, सफेद चमड़ी वाला मुल्क, हो सकता है ये उसमें लालच में आ जाए। एक तो दूसरा, ये माल की लालच में अगर आ गए, माल, तो दोनों चीजें उन्होंने इख्तियार की। राष्ट्रों में जहां उनका कयाम था वहां माल बिछाया उनके ऊपर, और औरतों को बरेहना किया, जवान बच्चियों को, और उनको हुक्म ये दिया कि आप में से किसी को भी अगर ये इस्तेमाल करना चाहे तो अपने आप को पेश कर देना। ये दो बातें। यूं आता है किसी एक सहाबी ने भी, किसी एक सहाबी ने भी न एक दिन हम उठाया न किसी एक की तरफ नजर उठाई। क्या जवान थे, क्या जवानी थी। इसलिए हजरत फरमाते थे, मैं वो बात कह रहा हूं, फरमाया कि जिस कौम में अय्याशी पैदा हो जाए, जब किसी कौम में अय्याशी आ जाए तो समझ लो कि इस कौम की तबाही आ गई, ये कौम बर्बाद होने वाली है। तो हजरत फरमाते थे कि फिर उस कौम पर कुछ बमबारी करने की जरूरत नहीं है, ये खुद मरी हुई कौम है, ये अपने आप मरेगी। तो आज बातिल ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि हमें अय्याशियों में डाल ले, हमें अय्याशियों में डाल ले, ताकि हमारी असलियत हम खत्म कर चुके हैं, हमारे शऊर ही खत्म हो जाए। हमें जा रहे हैं, अजीब तमाशे से हम जवानों को देखते हैं, अजीब तमाशाज के साथ जिंदगियां गुजार रहे हैं। अब बताओ भाइयों, ये कौम का मुस्तकबिल कैसे संवारेंगे?
आपके हाथों पर तो कौम का मुस्तकबिल है, तो आप कैसे कौम के मुस्तकबिल को संवारेंगे जबकि आप ही मरे हुए हैं? तो ये कोई बेदारी हो जाए। तो भाइयों अजीजों दोस्तों, अल्लाह ताला शानों ने बहुत बड़ी जबरदस्त ताकत रखी है आप लोगों के अंदर में। वो ताकत अल्लाह की ताकत है। आप जिस कौम पर जाएंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, जिस जगह पर जाएंगे, अल्लाह उसके हालात को बदल लेंगे। हाँ देखो, हमारे पास एक स्टूडेंट आया 1964-65 तीन साल से ज्यादा नहीं ठहरे वहां, तो सिर्फ एक मस्जिद थी, एक मस्जिद। और देखो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी यही के लोग हैं, ये नहीं कोई दूसरे लोग हैं कि जिसे, ये तो अल्लाह की आदत है, सुन्नतुल्लाह है, जो आगे बढ़ता है अल्लाह उसे काम ले लेता है, अल्लाह उसे काम लेता है। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तहवीला, अल्लाह की सुन्नत अल्लाह की आदत नहीं बदलती। तो वो जवान वहां आए और अजीब है, वो है, मौजूद है, यहाँ अभी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, पीएचडी के लिए आए थे, पीएचडी की वहां, लेकिन मकसद पीएचडी नहीं था। तो उनकी मौलाना उमर साहब, जब हम कारगुजारी सुन रहे, उससे तो हमें उस वक्त तो उस मुल्क से कोई वास्ता ही नहीं था, लेकिन हजरत सुनाते थे कि उसकी जवानी कैसे थी। जब इस मुल्क में पीएचडी जाने के लिए कुछ मशवरा तलब किया तो वहां के हालात थे कि वहां की लोगों में उरियानियत बहुत ज्यादा है, उरियानियत। तो कहते हैं मैं वहां कैसे जाऊं, आज तो हमारी लार टपक जाती है, ऐसे चीजें देखते हैं। हम लोग जा रहे थे एक मुल्क में, तो मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह एक अजीब बात फरमाई, फरमाए कि देखो वहां जाकर लार मत तपकाना, उनके मालों से उनकी औरतों की तरफ क्या मत करना, जोर से बोले, लार मत तपकाना, वहां जाकर आंसू बहाना, आंसुओं को तपकाना। ये आंसुएं इंसानियत को बदल देती है, ये आंसुएं, हाँ वहां जाकर रोना। हाँ हजरत ये फरमाया। तो उस जवान ने मशवरा किया, क्या करें, मैं जाऊं या न जाऊं? तो कहा कि यहां तो उरियानियत है। तो बुजुर्गों ने मशवरा दिया कि अपने आप को पर्दे में ले लिया, चाहे वो पर्दा ना करें, तुम पर्दा कर लेना। उनकी नजर, जैसे वो सहाबा थे ना, उन्होंने नजर नहीं उठाई, तुम भी अपनी नजर को झुका लेना। फिर गए, तीन एक मस्जिद थी, एक मस्जिद पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क में कितनी मस्जिद, एक मस्जिद थी। और वो मस्जिद का हाल क्या बना हुआ था, तो म्यूजियम बनी हुई थी, म्यूजियम बनी हुई थी, लोग आते थे देखते थे, कभी उसके अंदर में जो चौकीदार लोग रहते थे ना, उसमें अमाल तो कुछ भी नहीं, नमाज वगैरह कुछ भी नहीं, लोग आने वालों कहते, पहले जमाने में लोग यूं करते ऐसे इशारों से बताते थे बस। वो पहुंचे, दो तीन मुद्दे उसमें थे, तो वहां जाकर उन्होंने नमाज पढ़ी। तो हमारे शेख ये वाकया सुनाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पहुंच गया, मैं अपने मुल्क में आया था, अपने मुल्क से, तो ट्यूनिस के थे शेख यूनुस साहब, अभी भी मौजूद हैं। कहा कि मैं था 700 किलोमीटर दूर, कितना दूर था, 700 किलोमीटर, लेकिन मस्जिद नहीं, मैं अपने मुल्क में तो मस्जिद में आना जाना होता था, उलमाओं के पास में बैठता था, अब यहाँ कोई मस्जिद नहीं तो मुझे अजीब सा लगा। फिर किसी ने बताया कि एक पेरिस में एक मस्जिद है, पेरिस, तो मुझे शौक हुआ कि चलो वहां मस्जिद है, तो मैंने 700 किलोमीटर का सफर किया कि मैं मस्जिद के वहां चला जाऊं। और मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक जवान है, जवानी कालम है, दाढ़ी के चंद बाल आए हुए हैं और टोपी पहने हुई है और नमाज पढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई सऊदी मेहमान आया है, सऊदी से आया हुआ होगा, यहाँ वाले तो कोई ऐसे है ही नहीं। खैर जब नमाज पढ़ी जोहर की, तो फिर उन्होंने ऐलान किया यही, और ऐलान किया भाई बैठ जाना, और ये फजाइल आमाल की जो हदीस में है ना,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि वो जो सलासम दौलत के दावत तशरीफ लाए, मैंने चेहरे अनवर पर खास असर देखा। ये हदीस से परी तो मेरे दिल पर अजीब बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ गश्त के लिए कौन तैयार है। तो मैं तो कोई जानता नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि चलो ये अच्छे हमने है। मैं भी बुजुर्ग की सोबत में था तो मैंने कहा मैं तैयार हूं। तो हम दोनों तैयार हो गए। तो मुझे कहने लगा कि चलो हम चलते हैं। कहाँ जाएंगे? कहा कि मुसलमान कहाँ रहते हैं मुसलमानों के पास। तो फिर मुझे कहा कि देखो, जैसे वो भी मैंने शेर का वाक्य सुनाया तो कहने लगे कि मुझे कहने लगे सनाउल्लाह साहब कि तुम तो साहबा की औलाद हो, तुम्हारे जिस्म में साहबा का खून है और तुम तो बहुत बड़ी आली मकाम रखते हो। ये मुझे कहा सुझा बह चढ़ा। फिर मुझे तो कुरान की आयतें ये सारी चीजें मालूम थी। तो मुझे कहा कि तुम अब बात करना। तो मैं तो चाहता था वो भी जवान थे, दोनों शुरू किया। तो हम एक मंजिल पर गए, 14 मंजिल की इमारत थी, 14 मंजिल। तो हमने वहां अंदर जाने की इजाजत मांग, अंदर जाने दाखिल हुए तो जो पहरा देता था ना, तो उसने हमें रोक लिया कि नहीं आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो हमने कहा कि हमें अपने मुसलमान भाइयों से मिलना है, ताकि नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे। और फिर मना कर दिया। तो हम लोग वापस होने लगे तो सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि हमें कौली दावत से मना किया गया, हम फैली दावत देंगे। कहा कि एक ऐसा क्या कि हम यहां अजान पढ़ेंगे और फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर देखें अल्लाह क्या करते हैं। ये बात मुझे कही। मैंने कहा अच्छा। तो वहां एक चादर बिछाई और मुझे कहा तुम अजान पढ़ो। तो वो कहने लगे, मेरी आवाज बहुत साफ शफाफ थी और मैंने जब अल्लाह अकबर की जब अजान पढ़ी तो सारे मंजिल वाले ने खिड़कियां खोल दी, ऊपर से देख रहे हैं कि क्या हो गया, कयामत आ गई। और उसने क्या किया, जब हम ये हरकत करते थे तो उसके पास कुत्ता था शरीर जो रखता है ना वो, तो उस कुत्ता हमारे पीछे छोड़ा ताकि हम यहां से भी भागे। तो वो अल्लाह का करना था कि वो कुत्ता हमारे पास ऐसा बिल्कुल मानुष जैसे हमसे हुआ हो, ऐसे ही जैसे दोस्त हमारा हो इस तरीके से दो महलाता हुआ हमारे करीब में आकर बैठ गया। ये फिर जब हमने अजान पढ़ी तो लोग नीचे उतरा तो कहा कि एक बड़े में आए, उसने की आंखों से आंसू निकल रहे थे और कहने लगा कि 10 साल हो गए, 10 साल से मेरे कान में कभी कलमे की आवाज नहीं पड़ी है, अजान की आवाज मैंने पहली मरतबा 10 साल के बाद में सुन रहा हूं। देखो भाई अजीजो दोस्तों, फिर कहा लोग जमा हुए, फिर बहुत बड़ा मजमा हो गया, लोग घर भी देखने लगे, प्रैक्टिकल करेंगे, देखो ये प्रैक्टिकल दावत का असर है। फिर कहने लगे कि देखो ये चंद मिनट का असर ये है। ये कितनी मिनट का हुई? कहा कि 45 मिनट, ऐसा कुछ वक्त गुजरा था हमारा। कहा कि देखो इनका असर ये है, अगर जिंदगियों का मकसद ये बनाकर अमल करेंगे तो इसका असर अल्लाह क्या डालेंगे। फिर तो फिर खैर अल्लाह ने ऐसी हालत पैदा कि उस मुल्क में इस वक्त में 3,500 मस्जिदें हैं, 3,500 मस्जिदें और मुसल्ले हैं। एक जवान मुझे मिला, मैंने एक वाक्या सुनाया था कि उनका हाल मैंने अजीब सुना था, तो मुझे मस्जिद में मिला तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बिल्कुल अमामा। आज तो हमें वो चीजें शर्म जैसी लगती है कि हम अपने लिबास को बदल कर कैसे जिंदगी गुजारे। हमारे मौलाना भाई फारूक साहब हैं, मौलाना फारूक मक्की मक्का मुकर्रमा में, मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ बहुत सारा वक्त उन्होंने गुजारा। तो मौलाना सईद मक्की साहब की मौलाना फारूक साहब एक बात सुना थी कि मैं एक मुल्क में गया जो बड़ा मशहूर मुल्क है, जैसे हम सब जानते हैं उस मुल्क। तो मैंने एक स्टूडेंट को देखा, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो उनका चेहरा उनके लिबास उनका अमामा और सुन्नत के साथ आंखों में सुरमा। तो मुझे उसको देखकर मैंने उसे पूछा कि बेटा
तुझे यहाँ इस माहौल में, इस लिबास में, इस तरीके से रहने में शर्म महसूस नहीं करता तू? अपने शर्म लागे ने, कुर्तो पहरवानी शर्म लागे, टोपी पहरवानी शर्म लागे, आज तो मस्जिद में आवे तो भी टोपी पहरवानी शर्म आ गई। और वो कहाँ पहनता था? यूनिवर्सिटी में हुजूर के लिबास को पहनकर। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा तुझे यहाँ इस माहौल में, इस लिबास में शर्म नहीं आएगी? तो उसने क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर, कहो अल्लाह अकबर। उसने जवाब दिया कि हजरत जो नंगे फिर रहे हैं, शर्म तो उसको आनी चाहिए जो नंगी हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे तो फखर है मैं मेरे नबी की सुन्नत के साथ यहां आता हूं, मुझे तो इस पर फखर है, हमें फखर होना चाहिए। तो वो सनाउल्लाह साहब तो चंद साल रहे, लेकिन अल्लाह ने ऐसी फिजा कायम कर दी कि मैं उस जवान को सुना रहा था। बहुत सारे जवान है अजीब किस्म के, आप उनके वाकयात सुनते सुनते आपकी हैरत रह जाएगी कि उनकी जिंदगी कैसे। वो कह रहे थे कि मैंने पूछा क्या बनी थी तेरे साथ, मस्जिद में था माशाल्लाह, बहुत मरकज में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा कि क्या बनी थी, कहा कि मैं पहली मर्तबा जब मेरे पास, वहां क्या है लोग मखलूत हैं, यानी स्कूल के बच्चे ये सारे काले गोरे सब मिक्स है, जिंदगी गुजार रहे हैं, अकेलेपन में नहीं गुजारते हैं, अकेलेपन में नहीं गुजारते हैं, वहां सब मिक्स हैं। एक बात आपको बता देता हूँ, देखो जब हमारे अखलाक बिगड़ते हैं ना तो लोग हमसे दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। हजरत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक मर्तबा किसी ने आकर यूं कहा, बड़े शौक से, यानी कुछ अच्छी कारगुजारी सुना रहे ना ऐसे सुनाया हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह को, क्या कहा कि हजरत जी हमारे मोहल्ले में से सारे गैर चले गए, अब सारा मोहल्ला मुसलमान का हो गया। ये खुशी की बात सुनाई, आप भी खुश हैं ना ऐसी बात सुनकर, हैं? अब मोहल्ला हमारा हो गया। तो हजरत जी ने बड़े अफसोस के साथ बात बताई, बड़े अफसोस के साथ कि भाई ये लोग तुम्हारा मोहल्ला छोड़कर क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि तुमने उसको तकलीफ पहुंचाई होगी, तुम्हारी हालतों से ये बेजार हो गए, इसलिए उन्होंने अपने प्यारे घर को भी छोड़कर चले गए। अगर तुम्हारे अच्छा अखलाक होते तो तुमसे मोहब्बत के साथ तुम्हारे साथ रहते, आज हमारा हाल यही बना हुआ है, सब लोग से हम नफरत कर रहे हैं। तो उसने सुनाया कि हम लोग साथ में रहते थे, एक जमात वाले आए तो मुझे भी कहा कि तुम भी आ जाओ मस्जिद में, ऐसे आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही लोग आते हैं मुसलमान बच्चे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। आ गया वो, कह मैं जब मस्जिद में आया तो मुझे ऐसा अजीब से लगा, और मेरे दोस्त ने कहा यार तू भी ऐसा कर ले। हम भी एक मर्तबा चल रहे थे तो रात में एक बच्चा हमारे जमात के पास आकर सो गया, रात हुई छोटी सी मुख्तसर रात थी। मैंने देखा कि यार कोई एक हमारे साथी के साथ कोई एक बच्चा और जवान था इसकी उम्र का, वो भी सोया हुआ है। तो हमने कहा क्या क्या करें, उसको पूछा, तू कौन है? कहा कि मैं यहाँ आया था घूमने फिरने के लिए, रात हो गई तो मुझे किसी जवान बच्चों ने कहा कि तू ये मस्जिद में चला जा, वहां कुछ और बच्चे भी हैं। तो हमारी जमात के साथी जो थे ना उनको उन्होंने उनका इकराम किया, इस्तकबाल किया, उनको फिर बिस्तर दे दिया और सुला दिया। मैं नहीं था तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि ये कौन है मस्जिद में है? तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से घूमने फिरने वाला जवान था, वहां गया इधर। मैंने कहा आप क्या करें, ये तो मस्जिद में सोया हुआ है, मालूम नहीं बाकी की हालत में है ना बाकी की हालत में है, क्या करें? तो हमने फिर मशवरा किया तो साथियों ने बताया कि ऐसा कर सकते हैं कि हम पैसा देते हैं और उसको किसी होटल में जाकर छोड़ देंगे, पैसा हम पे कर देंगे उस होटल का किराया। फिर थोड़ी देर में फिर बात बने कि नहीं यार ऐसा क्यों करें, इसको हम अपने पास रखें, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें। तो मस्जिद के बाहर के हिस्से में
बाहर के हिस्से में वो कारवान जो गाड़ी होती है ना पूरी, उसमें सारी चीजें होती है, बेड भी होता है, किचन भी होता है, लोग घूमने फिरने के लिए चलते हैं उसको लेकर। कहा कि उसमें उनको सुला दे दो, इसमें अच्छी चीजें हैं वहां, सारी फैसिलिटियां हैं। तो मैंने कहा ठीक है ये भी, लेकिन ये बेचारा अकेला वहां कैसे सोएगा, उसको अकेले को वहां अच्छी चीज नहीं लगेगी। तो फिर किसी ने एक राय दी कि अच्छा मौलाना साहब ऐसा करें, ये तो हमसे मानुस हो चुका है, उसको गुसल करवा देते हैं। फिर मैंने कहा बहुत अच्छा है, तो इन दो साथी ने गुसल करवा लिया रात में। फिर किसी ने कपड़ा दे दिया, पायजामा दिए, कपड़ा दिए, अब ऐसा सो गया हमारे साथ। और सुबह में उसको कहा अब जा, चला जा तुझे जाना हो। उसने कहा कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वो फिर ठहरा, फिर माशाल्लाह वो बहुत वक्त गुजारा फिर मान में, और फिर सारी बातें हो गई, उसको अल्लाह ने पहुंचाया। अल्लाह पहुंचाते हैं, जब दिलों में कोई चीज होती है ना तो अल्लाह उसको खींचते हैं आपके कुलूब की तरफ। मैं एक अजीब बात फरमा रहा था, देखो कर्नल साहब ने मुझे ये वाक्य सुनाया, कर्नल अमीरुद्दीन साहब बहुत बड़े कमांडर के चीफ थे। तो वो कर्नल साहब ने बहुत बड़ी बात सुनाई, देखो मेरा वक्त तो कह रहे हैं कि 12 बजे पूरा करना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि पूरा हो जाए ये बातें। तो वो कर्नल साहब सुना रहे थे कि मैं अपनी ड्यूटी पर था और दो बुजुर्ग आए वहां मुझे मिलने के लिए। तो मैं, मेरा जो गेट में था दरबान, जो मेरा चौकी पहरेदार जो रहता है ना गेट पर, तो उसने से कहा कि हमें कर्नल साहब से मिलना है। तो कर्नल साहब को बताया कि कर्नल साहब कोई दो बुजुर्ग हैं, दो मौलाना साहब हैं, आपसे मिलने आए हैं। तो कर्नल साहब ने क्या कहा कि उनको बता दो कि कर्नल साहब नहीं है। कर्नल साहब तो जिंदगी में कोई चीज नहीं थी, आमाल नहीं थे, तो बता दिया। तो वो जो पठान था ना पठान, उसने क्या किया, उसने ऐसा कहा कि कर्नल साहब कह रहे हैं कि कर्नल साहब नहीं है, वो यूं कहा, मेरी बात दोहराई उसने। तो कर्नल साहब कहने लगे कि मुझे शर्म आई, क्या रे मेरी बात की तरफ से झूठ कहकर ये कहने लगा कि कर्नल साहब नहीं है, तो मुझे शर्म आई और मैं अपने ऑफिस से उठ गया और उठकर उसकी तरफ चल पड़ा। तो मेरा कहने का मंशा ये था कि वो कर्नल साहब नहीं चले, और उस पठान से उसकी जुबान से नहीं निकला, लेकिन इन आने वालों के दिलों में कोई चीज थी जो उनको उठाई है वहां से। कर्नल साहब को अंदर से किसने खींचा है, ये कोई ताकत थी जो इन आने वाले बुजुर्गों के दिलों में थी। तो कहने लगे कर्नल साहब देखो अगर आपके दिलों में ये चीजें होगी ना तो अल्लाह उसको वजूद दे देंगे। तो कर्नल साहब कहने लगे कि जब मैं बाहर निकला तो मुझे दो बुजुर्ग कौन थे, एक मौलाना उमर साहब थे और एक काजी अब्दुल वहाब साहब थे हमारे यहाँ के, और कहा कि उन्होंने मुझे सीने लगाया और मेरी पेशानी पर बोसा दिया, मेरे यहां बोसा, मुझे अजीब सब मोहब्बत दी और ऐसे सीने से लगा। फिर काजी साहब ने मुझे सीने से लगा, फिर काजी साहब ने एक शायर पढ़े, वो कर्नल साहब ने मुझे सुनाया। कर्नल साहब ने कहा कि काजी साहब ने एक शायर सुनाया, क्या शायर सुनाया कि काजी साहब फरमाने लगे कि कर्नल साहब को खिताब कर रहे हैं, देखो बहुत अजीब बात बताई, फरमाया कि कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आर में, क्या फरमाया, कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आर में। कैरी मालूम है ना, आम पत्तों में छुपी हुई होती है, पता भी नहीं चलता कि उसका कलर ये इसका एक ही साथ होता है। तो कैसे तस्बीह दे रहे हैं काजी साहब, वो अंदर की बातें थी जो हमदर्दी के दर्द के साथ चल रही थी। तो काजी साहब ने बनाया कि कब तक छुपेगी कैरी पत्तों के आर में, एक दिन आएगी बिकने बाजार में। ओ, क्या बात बताई। तो कर्नल साहब कहने में तो पानी पानी हो गया, फिर चले उनको ले गए। फिर तो बहुत बड़ी बात सुनाई कर्नल साहब ने, ओहो अजीब, अल्लाह ने उनके हाथों पर
हजारों इंसानों की हिदायत कर। मैं दादत नहीं बयान करूंगा आपके सामने, कभी पूछ लेना अगर कोई आकर पूछ ले। तो कर्नल साहब फरमाने लगे एक मरतबा, अजीब, क्योंकि वो अपने आप भी इसी में होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह आपको भी कल ऐसी जगह पर पहुंचाए, आपके हाथों से वही चीज अल्लाह वजूद देंगे। तो कर्नल साहब कहने लगे कि एक मरतबा इस किसी जगह पर, इलाका का नाम लिया मैं नहीं लेता हूं, वहां के लोगों ने जमात को मस्जिद में आने से मना कर दिया कि ये जमात वाले यहां नहीं आ सकते हैं, जमात को ठहरने नहीं देते हैं। तो कर्नल साहब कहने लगे मेरी ड्यूटी थी और मैं तो ऐसे ही, मुझे तो हक था, मैं अपनी फौज लेकर चला गया, मेरी टीम लेकर गया और कहा कि उन्होंने जब हमें देखा तो दरवाजे बंद कर दिए, वो लोग अंदर थे। तो मैंने कहा कि मैं छलांग लगाता हूं अंदर में, तो ऐसे आदमी थे, तुम कहा कि मैं छलांग लगाता हूं और अंदर जाकर दरवाजा खोलूंगा और तुम सब दाखिल होना, सबकी पिटाई करना। तो कहा कि मैं दाखिल हुआ, दरवाजा खोला, सारे आगे अंदर और सबको पिटाई करके सबको भगाया और कहा कि हमने फिर उस मस्जिद में कब्जा ले लिया कि हमारी मस्जिद। तो ये बात हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह को पहुंची, माना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। अजीब बात, अल्लाह अकबर, कहो अल्लाह अकबर, अरे जोर से कहो कि दिल में भी कुछ अल्लाह अकबर का। तो वो क्या हुआ, कर्नल साहब कहने लगे कि मैं जब निजामुद्दीन पहुंचा, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे देखकर मुस्कुराए, हजरत जी को ये पता चल गया कि कर्नल साहब ने इसे हरकत की है, तो खुश होना चाहिए ना, हजरत जी खुश होना चाहिए ना। हाँ, तो हजरत जी मुझे देखकर मुस्कुराए, फिर हजरत जी ने फरमाया कर्नल साहब हमें मारने वाले नहीं चाहिए, हमें तो मार खाने वाले चाहिए। तो ये उम्मत का दर्द नबी वाली ठोकरें खाने से पैदा होती है। हाँ, फिर रोना आएगा। मैं अक्सर कहता हूं ये जवान का जब रोना होगा अल्लाह के सामने, अल्लाह का अर्श हिला देंगे ये जवान। हाँ, अजीब बात। खैर भाई अजीज दोस्तों, मैं एक आखिरी बात जो रह गई थी वो आपको बता देता हूँ। जो आखिरी जमात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, उसके अमीर बनाए गए उसामा इब्ने ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये आखिरी जमात थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो खैर वो लंबा वाक़िया मुझे टाइम भी नहीं है, तो वो जमात के अमीर थे, 16 साल की उम्र थी उनकी। उसके अंदर में बड़े बड़े सहाबा थे, बड़े बड़े सहाबा, उमर जैसे, अबू बकर जैसे, हुज़ूर ने उनको उनके साथ लगाया। अमीर कौन थे, उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो कहने का मंशा यह था कि अल्लाह के नबी को पता था कि इससे क्या वजूद में आएगा और आपकी तबीयत अलील चल रही थी, आप बहुत बीमार होते जा रहे थे, आपकी बीमारी के अय्याम चले हैं, तो बूट के रोज से आपके अय्याम चले, बूट, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, पीर में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए। तो बार बार आप पूछ रहे थे कि उसामा की जमात रवाना हुई या नहीं हुई, उसामा की जमात का क्या हाल बना, कहां पहुंची, क्या हुआ। तो लेकिन वो जमात इसलिए रुकी हुई थी कि कहीं हम चले गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो हम हुजूर के आखिरी दीदार भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो ठहरे हुए थे। तो खैर मेरे कहने का मकसद ये था कि उस वक्त जो आलम बना हुआ था, जो हाल बना हुआ था, जो हाल इस दीन पर आया हुआ था, उस हाल की तारीख कुछ नहीं कह सकती कि उस वक्त क्या हो सकता था, लेकिन वो वक्त नहीं है। लेकिन उस जमात की बरकत से, उस जमात की बरकत से जो हाल बदल गया, ओहो अजीब था। वो साहबा की जिलों में भी बात नहीं उतरती थी, बड़े बड़े साहबा फरमाने लगे, उमर अबू बकर रदी अल्लाह ताला अनु से फरमाए कि
हजरत अबूबकर ने फैसला दिया कि ओसामा की जमात को रवाना करो। आप दुनिया से तकसीफ ले गए, जमात अभी ठहरी हुई थी, कयाम पकड़ चुकी थी लेकिन रवाना नहीं हुई थी। तो हजरत अबूबकर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि पहला काम मैं वो करूंगा जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हुक्म देख चुके थे। तो उमर रजी अल्लाह तआला ने कहने लगे कि अगर आप उसको जब रवाना करोगे तो इस वक्त मदीना खाली हो जाएगा और बड़े बड़े सहाबा इसमें मौजूद हैं और आप किसको भेज रहे हैं, इस वक्त फिर मदीना पर क्या होगा, कौमें हमला करेगी। और अबू बकर को जोश आया और फरमाने लगे कि उमर तुम जमाने जहालत में जो तुम बड़े जब्बार थे और अब तुम बुजदीदी बता रहे हो, यूं कहने लगे अबू बकर। तो फरमाया कि अगर ये वक्त आ जाए कि मदीना खाली हो जाए और दुश्मन मदीना पर हमला कर दें और उस हमले की वजह से सारे मदीना की औरतें की लाशें पड़ जाए, अज़वाज़े मुतहरात की लाशें पड़ जाए और उसको दफन करने वाला कोई न रहे और जंगल के दरिंदे आए और उस लाशों को खींचकर चली जाए, उम्मातुल मोमिनीन के लाशों को अगर ये दरिंदे खींचकर ले जाए तो अबू बकर उसको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अबू बकर अल्लाह के दीन की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हजरत उमर फरमाते थे कि किसी ने उनके जमाने में एक बात बताई कि आपकी हाथों पर अल्लाह ने बहुत बड़ी फतह कर दी, तो हजरत उमर ने फरमाया कि अबू बकर की एक रात और अबू बकर का एक दिन उमर की पूरी जिंदगी के पूरा अमाल इस रात और दिन का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा कि रात कौन सी थी, बताया रात जो थी वो गारे सौर में आपने कयाम पकड़ा था। अबू बकर की बेचैनी और बेकरारी जो थी भाइयों अजीजों दोस्तों, और दीन वो जो था जिस दिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, तो अल्लाह ने हमारे हाथों पर मालूम नहीं भाइयों अजीजों दोस्तों बहुत बड़ी चीजें रखी है। अच्छा उस जमान का वाकया भी रह गया जिसको मैंने कहा मस्जिद में मुझे मिला, इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी मौका रहा दोबारा, लेकिन मकसद ये वाकया सुनाना नहीं है, मेरे और आपके इस बातों से असर लेने से बात पूरी नहीं हो जाएगी, मेरी आंखों से चंद कतरे बह जाने से बात खत्म नहीं होगी, हम सबको उठना पड़ेगा अल्लाह के दीन के लिए। फिर अल्लाह की गैबी मदद और नुसरत ने हमारा इंतजार कर रही है, सामने खड़ी है, अल्लाह तुम्हारा ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे अल्लाह ने सहाबाओं का इस्तेमाल किया है, पानियों में रास्ते मिले हैं, हाँ दरिया के और फार खाने वाले जानवरों ने रहबरी की है, ये सब के साथ अल्लाह का ये मामला दस्तूर है, आज भी है कल भी रहा पहले भी रहा आज भी रहेगा, हाँ, करेंगे इंशाल्लाह बाकी मजलिस जो है इंशाल्लाह इसके मुताबिक कभी। देखो भाई इकराम के साथ खाने से फारिग हो जाओ और 2:15 बजे जोहर की नमाज होगी, उससे पहले अपनी जरूरत से फारिग हो जाए, नमाज के बाद फौरन बैठना है, बहुत अहम मजलिस होगी इंशाल्लाह, बैठोगे भाई? अब इकराम के साथ जाकर अपने खाने से